Hello students, welcome back to English class. So today let's continue with the same chapter, that is chapter 4, Wish Day. So in this chapter we have read that Miss Vizzy wants to show some magic tricks to the students, and the children from the class are very excited because जैसे हम भी अगर हमें भी जादू देखना magic देखना बहुत पसंद है, तो सिमिलरली वो जो students हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा excitement थी कि वो मैडम जो है उनकी कुछ ना कुछ आज ट्रिक्स दिखाने वाली है. तो इसलिए मैम उनको कहती हैं कि आप लोग अपनी आंखें बंद करो और कुछ ना कुछ विश मांगो. अब वो सब अपनी आंखें बंद करते हैं और विश मांगते हैं. अब आगे क्या होता है, लेट्स रीड आउट. सो पेज नंबर 33. सो द चिल्ड्रन क्लोज देयर आईज, मिस विजी वेव्स हर वैंड. तो एज सून एज द चिल्ड्रन क्लोज देयर आईज, मिस विजी वेव्स हर वैंड, जो जादू की छड़ी थी उन्होंने उसको घुमाया. देयर इज अ कंप्लीट साइलेंस फॉर अ मोमेंट और टू, और क्लास में एकदम बहुत ज्यादा शांति फैल जाती है और सन्नाटा हो जाता है. एंड देन इट लुक्स एज इफ द क्लास रूम हैज टर्न इन टू द मिनी जू. और फिर अचानक देखते हैं कि ये जो क्लास रूम है वो एक मिनी जू बन गया है. जू मतलब चिड़ियाघर. जू में आपने देखा है बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो वैसे ही इस क्लासरूम में बहुत सारे एनिमल्स नजर आने लग जाते हैं. ये मिनी जू बन जाता है, मतलब एक छोटा सा चिड़ियाघर बन जाता है. अ डॉग चेजेस अ कैट, द कैट चेजेस अ माउस, अ वाइट रैट रन्स अप सूरज पैंट, अ रूस्टर क्रोज लाउडली, एंड अ टॉकिंग पैरट स्क्रीचेस. सो अ डॉग चेजेस अ कैट. अब वहां पर क्या दिखाई दे रहा है, बच्चे देखते हैं कि एक डॉग है वो कैट को चेज कर रहा है, मतलब उसको उसके पीछे भाग रहा है, और जो कैट है वो माउस को चेज कर रही है. शी इज रनिंग आफ्टर द माउस, इट इज रनिंग आफ्टर अ माउस, एंड अ वाइट रैट रन्स अप अ सूरज पैंट, और एक वाइट कलर का रैट जो है चूहा वो सूरज कोई स्टूडेंट है उसकी पैंट के ऊपर से जा रहा है. और रूस्टर क्रोज लाउडली, एक जो मुर्गा है वो बहुत जोर जोर से इट इज क्रोइंग वेरी लाउडली, एंड टॉकिंग पैरट स्क्रीचेस, एंड द पैरट इज मेकिंग अ लाउड साउंड. बी क्वाइट, एंड आउल पर्चेज ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड एंड लुक्स एट द चिल्ड्रन विद इट्स बिग राउंड आईज. एंड द पैरट इज स्क्रीचेस, वॉट द पैरट इज सेइंग, इट इज सेइंग वेरी लाउडली बी क्वाइट, वो सबको शांत कर रहा है. सो एन आउल परचेज ऑन द टॉप ऑफ द, परचेज का मतलब होता है किसी ऊंची चीज पर जाके बैठ जाना. सो एन आउल परचेज ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड एंड लुक्स एट द चिल्ड्रन विद इट्स बिग राउंड आईज. और जो आउल है वो एक कबर्ड के ऊपर जाके बैठ जाता है और बच्चों को अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल जो आंखें हैं उनसे वो घूर रहा है, देख रहा है. A baby monkey climbs onto the window and does not get down, and a small puppy sits on the floor and moves softly. A baby monkey climbs onto the window. So there is a baby monkey also, जो window पे चढ़ के बैठ गया है और नीचे नहीं आ रहा है. And a small puppy sits on the floor and woofs softly. और एक छोटा सा puppy है, it is woofing. Woofing means a sound that is made by a dog. So the puppy is woofing, and seeing all this the children start clapping and jumping up and down joyfully. और ये सब देख के बच्चों को बड़ा मजा आता है और वो clapping करने लग जाते हैं, dance करने लग जाते हैं. They get very excited और वो बहुत खुश हो जाते हैं उन सबको देख कर. ओके, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34. The animals run around the room till Miss Vizzy waves her wand and orders them to go to the children who had wished for them. So, जो animals हैं वो पूरे classroom में इधर उधर भाग रहे हैं, कोई कहाँ बैठ गया, कोई किसी तरह का sound निकाल रहा है, अलग अलग sound निकाल रहे हैं वो, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिल्ली के पीछे भाग रहा है, कोई doggy के पीछे भाग रहा है, तो इस तरह से सारे animals हर तरफ हो रखे हैं. फिर अच्छा तभी मिस विजी हैं, उन्होंने अपना वैंड घुमाया, मैजिक जो छड़ी है मैजिक स्टिक है उसको घुमाया और उन सभी एनिमल्स को ऑर्डर किया कि जो जिन बच्चों ने जिन जिन एनिमल्स की विश की थी उनके पास वो चले जाएं. ऑल इज क्वाइट एंड नॉर्मल अगेन इन द क्लासरूम. फिर सब क्लास में शांत हो जाता है.
मिस विजी है, उन्होंने अपनी स्टिक घुमाई और सभी एनिमल्स को ऑर्डर दिया कि सब जाके उन बच्चों के पास चले जाएं जिन्होंने उनकी विश की थी। किसी ने पैरट के लिए कहा था, किसी ने मंकी के लिए कहा था, तो सारे एनिमल्स वहाँ चले गए और क्लासरूम में फिर से शांति फैल गई। द चिल्ड्रन हु हैड विश्ड फॉर स्मॉल टॉयज एंड बुक्स फाइंड देम इन देयर बैग्स, दे आर ऑल वेरी हैप्पी। और जिन बच्चों ने छोटे छोटे टॉयज के लिए विश किया था या बुक्स के लिए विश किया था या और भी कोई विश की थी, वो सारी उन्हें उनके बैग में मिली, तो वो बड़े बड़े ही खुश हो गए। दे ऑल आर वेरी हैप्पी। आई होप यू एन्जॉयड आवर सेल्फ, सेज मिस विजी। मिस विजी ने उनको पूछा कि शायद आप सबने ये आज का दिन बहुत ही एन्जॉय किया होगा। येस मिस, दिस इज द बेस्ट चिल्ड्रंस डे एवर, थैंक यू वेरी मच। और बच्चे बोले, येस मिस, हमने बहुत एन्जॉय किया, बहुत मज़े किए और ये हमारा सबसे बेस्ट चिल्ड्रंस डे होगा अब तक का, है ना। तो इस तरह से सभी बच्चों ने चिल्ड्रंस डे पे एन्जॉय किया और जो उनकी टीचर है मिस विजी, उन्होंने उनकी विश पूरी की। ओके, नाउ यू हैव टू रीड द होल चैप्टर एंड लर्न डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर। वन मोर थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लर्न एंड राइट द मीनिंग्स। ओके, सम मीनिंग्स आर गिवन दैट वी हैव गॉन थ्रू व्हेन वी वर रीडिंग द चैप्टर, मैंने आपको बताए भी थे, सो एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इज क्लॉक, तो जो मैंने बताया है जो मैजिशियंस होते हैं वो अपने शोल्डर पे इस तरह का जो पिक्चर दी है इस तरह का कुछ पहनते हैं, इसे हम क्लॉक कहते हैं। वैंड, अ थिन स्टिक यूज बाय मैजिशियंस वाइल डूइंग ट्रिक्स, सो वैंड इज अ टाइप ऑफ स्टिक दैट इज यूज बाय द मैजिशियंस। मंच, ईट नॉइजली, when you make sound while eating it is known as munching. Screeches, makes a loud sound in an unpleasant manner. Screeches का मतलब है कि इस तरह का sound निकालना या बोलना, इस तरह से बात करना कि बहुत ही unpleasant लगे, अपने कानों को अच्छा नहीं लगे। Perches, sits on high place above the ground. जमीन से ऊपर उठकर बैठना किसी चीज पर, that is perches. And last is wolves, barking noise made by a dog. The dog, the kind of sound made by the dog, barking sound, it is known as wolves. Okay, so in this way, now what you have to do is note down these all meanings in your notebook. Clock jo hai usko aap chhod do aur baki ki jo 5 meanings hain, you have to learn and write them. And I am sending you a PDF of question answers, so you have to note them down in your notebook. Okay, so children, read the story, learn difficult words and have a nice day. Okay, thank you.